बीते कुछ दिनों से इजराइल और हमास में जमकर युद्ध हो रहा है। जहां जहां नजर जा रही है वहां वहां सिर्फ और सिर्फ गिरे हुए बिल्डिंग के मलबे और सैनिकों के शव के अलावा और कुछ नहीं नजर आ रहा। अभी ये संघर्ष कितने दिन तक चलेगा इस पर बात की जा रही है। कई देश जैसे चीन, अमेरिका और भारत शांतिपूर्वक इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। कहीं कहीं के लोग इस युद्ध को लेकर अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, कुल मिला के आग में फूकने का काम कर रहे हैं। भले ही उनका फूक वहां तक ना पहुंचे, फिर भी वो फूक रहे हैं। किसी देश की पावर उसकी मिलिट्री फोर्स होती है, क्योंकि इनके पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, हथियार और कुछ खास चीज़ें होती हैं। रक्षा प्रणाली के साथ कई तरह के हथियार होते हैं जो देश को आतंकी और बाहरी खतरों से बचाती है। तो ऐसे में जाहिर हो जाता है और आपके मन में भी यही चलता होगा कि दुनिया भर में कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जो टॉप 5 में आती हो। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मूव ऑन फैक्ट्स, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कर दो यार, क्योंकि रोचक तथ्य यहीं पे है। तो दोस्तों, बात करें दुनिया की सबसे पावरफुल सेना की, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल सेना अमेरिका की मानी जाती है। अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है और अव्वल दर्जे पर भी है। हर देश की अपनी अपनी सेना होती है, चाहे हम आज की बात करें या फिर प्राचीन काल की। देश की सुरक्षा के लिए पहले भी सैनिक थे और आज भी हैं। और जाहिर सी और एक सीधी सी बात है कि जिस देश के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है और हथियार होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, वो कंट्री पावरफुल ही होगी। क्यों दोस्तों, सही बात है ना? और बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के पास लगभग 8,850 टैंक हैं, 15,890 एयरक्राफ्ट हैं और तकरीबन 72 सबमरीन हैं। वहीं अगर US आर्मी सोल्जर की बात की जाए तो इसके पास लगभग 14 लाख सैनिक हैं। साथ ही US आर्मी की बजट $601 मिलियन है, जो इनको अपने आप में ही दुनिया की पावरफुल मिलिट्री बनाती है। आपको पता है इनके पास ऐसी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो किसी दूसरे अन्य देश के साथ साझा नहीं करते, और इनका कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और एक गरीब देश तो इनको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इनके हथियारों को भी। दूसरे नंबर पर है रूस। सेना के मामले में दूसरा नंबर रूस का है, और रूस में मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार राज्य है, और रूस की सेना विश्व में ताकतवर के मामले में दूसरे नंबर पर आती है। और रूसी सेना के पास 15,599 टैंक हैं, जबकि 3,430 एयरक्राफ्ट हैं और लगभग 44 सबमरीन हैं। और बात करें इनके सोल्जर की, तो रूसी सेना के पास 7,66,055 सैनिक हैं जो देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। और रूस की सेना की बजट $84.5 बिलियन है, जो कि अमेरिका से भी कम है। और तीसरे नंबर पर आता है चीन। चीन एशिया का बड़े क्षेत्रफल वाला देश है, यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है और हथियार भी। चीन की सेना में लगभग 9,150 टैंक हैं, 2,860 एयरक्राफ्ट हैं और 67 सबमरीन। और चीन की सेना में सैनिकों की गिनती 23,33,000 है, जो अमेरिका और रूस दोनों से ज़्यादा हैं। साथ ही इसका बजट $216 मिलियन है। अब आते हैं भारत पे। हमारे देश के जवान आर्मी में भर्ती केवल पैसों के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं, बल्कि आपकी जान बचाने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, शहीद होने के लिए और आपकी सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होते हैं। इनका जुनून होता है केवल और केवल देश की रक्षा करना। तो दोस्तों, भारत के बारे में बात करने से पहले, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करें आप सबसे पहले देख पाएं और नॉलेज प्राप्त कर पाएं। तो आगे बढ़ते हैं। भारत की चर्चा और हमारी ताकत किस स्थान पर है। अगर बात करें भारत की, तो भारतीय सेना में लगभग 15 पनडुब्बियाँ हैं, 6,464 युद्धक टैंक, लगभग 2,000 के आसपास एयरक्राफ्ट। भारतीय सेना के सोल्जर की गिनती 14 लाख से भी ज़्यादा है, और भारतीय सेना का बजट इन देशों से थोड़ा कम है। भारतीय सेना की बजट लगभग $50 बिलियन है, जो कि आगे चल के इसमें बढ़ोतरी होगी।
तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, नवे व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर रोचक तथ्यों के बारे में जानना है, नॉलेज रखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।